हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है, पूजा और स्नान दान का क्या मुहूर्त है, पूजा विधि क्या है, क्या इस दिन दान करना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है सोमवती अमावस्या का, पितृदोष और बाकी चीज़ों के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, इस बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या का बहुत महत्व होता है। इसे हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या कहते हैं, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा का विधान होता है। इस दिन सुहागन महिलाएँ श्रृंगार का सामान बांटती हैं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं पूजा के लिए और स्नान दान करने के लिए। तो दोस्तों, 17 जुलाई को प्रातः काल से ही सोमवती अमावस्या का स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सोमवती अमावस्या पर स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से प्रारंभ हो रहा है, जो सुबह 7:17 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा भी शुभ मुहूर्त है जो 9:01 से शुरू होगा और सुबह 10:44 तक रहेगा। ये दो मुख्य मुहूर्त हैं, लेकिन आप सुबह से पूरे दिन कर सकते हैं ये स्नान और दान का काम। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अमावस्या तिथि जो है वो शुरू होगी 16 जुलाई को रात को 10:08 पर और 18 जुलाई को सुबह 10:01 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हरियाली का जो ये अमावस्या है वो 17 जुलाई को मनाया जाएगा, उदया तिथि के दिन पड़ रहा है। इस दिन हरियाली अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त और भी कई हैं, कुछ महत्वपूर्ण वो आप देख लीजिए। पहला तो है ब्रह्म मुहूर्त 4:12 से 4:53 तक आप इस बीच कर सकते हैं। प्रातः संध्या में 4:33 से 5:34 ये एक घंटा आपको मिलेगा इस बीच। अभिजीत मुहूर्त मिलेगा 12:00 से 12:55 तक दोपहर में। विजय मुहूर्त है 2:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त 7:19 से 7:40 तक शाम को मिलेगा आपको। संध्या मुहूर्त मिलेगा 7:20 से 8:22 तक मिलेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अमृतकाल मुहूर्त मिलेगा आपको 2:32 से 18 जुलाई को सुबह 4:18 तक मिलेगा। निशिता मुहूर्त रात का मुहूर्त 12:07 से 18 जुलाई को 12:48 तक मिलेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग मिलेगा 5:11 से 5:35 तक सुबह में 18 जुलाई को। तो दोस्तों, ये है स्नान दान के लिए बहुत सारे मुहूर्त, जिस जो समय आपको सही लगे उस समय आपको कर सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन ही अच्छा है, 17 जुलाई का सुबह से ही स्नान और दान का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, आप वो कर सकते हैं। पर किसी मुहूर्त में अगर स्पेशली करना चाहते हैं तो वो भी आपको बता दिया है सारे मुहूर्त के बारे में। आइए अब देखते हैं सोमवती अमावस्या के महत्व क्या है। अगर अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे ही सावन की सोमवती अमावस्या दूसरे सोमवार के दिन इस बार पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व तो कई गुना ज़्यादा हो गया है। इस दिन भगवान शिव का पूजन बहुत शुभ होता है। इस दिन शिव पूजन करना अखंड सौभाग्य दिलाता है सुहागन महिलाओं को। पति की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है और संतान के लिए इससे उन्नति के मार्ग खुलते हैं इस दिन पूजा पाठ करने से और दान करने से। काल सर्प दोष निवारण पूजा। दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, और अगर शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए दोस्तों, अमावस्या के दिन श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। काल सर्प दोष निवारण की पूजा के लिए भी अमावस्या का दिन शुभ होता है। तो अमावस्या को अमावस्या या अमावसी नाम से जाना जाता है। इस दिन आप काल सर्प दोष निवारण की पूजा भी सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं, इसका पूजा रखवा सकते हैं चाहे मंदिर में या फिर घर पे। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए नदी में किसी में और दान करना चाहिए। उसके अतिरिक्त पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। भगवान शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ। गाय को दही और चावल खिलाएँ। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण कर रखें, अगर हो सके तो। वैसे तो ये संभव नहीं हो पाता है, पर अगर कर सके तो बहुत ही अच्छा है। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहाँ पास में तुलसी भी रखें, उस पर दूध, दही, रोली, चंदन अक्षत, फूल माला, हल्दी और काला तिल चढ़ाना है पीपल के पेड़ पर। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी जी को चढ़ाना है। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें।
इस दिन दोस्तों कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट आदि जो भी सामान लेकर के आप करके 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। लेकिन अगर ऐसा करते हैं आप तो आपको वो सामान भी 108 ही लेना पड़ता है जिस सामान के साथ। मान लीजिए चूड़ी है तो 108 चूड़ियाँ आपको लेकर परिक्रमा करनी पड़ेगी, मेहंदी है इस तरह से करना होता है। फिर उस सामान को विवाहिता और कन्याओं में बाँट दें जैसा सामान आपने जो लिया है। घर में रुद्राभिषेक करवाएं इस दिन। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, मन, मिठाई आदि चीज़ों का इस दिन दान करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा अगर 108 नहीं कर पा रहे हैं तो फिर 1, 5, 7 या फिर 11 परिक्रमा कर लें, वो भी ठीक है आपका, पर पूजा आप विधि विधान से करें। इस दिन आपको दोस्तों पीपल के पेड़ और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए, जल देना अर्पण करना चाहिए। इसके बाद कच्चे सूत के धागे से 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। ऐसा करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर 108 नहीं कर पा रहे हैं तो 11 परिक्रमा कर लें, पर करें जरूर। सोमवती अमावस्या के दिन चीज़ों को दान करने का भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अमावस्या को 5 वस्तुओं का दान करें, मिलेगा इससे आपको पितरों का आशीर्वाद। सप्तधान्य से ग्रह दोष भी शांत होंगे। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या पर दान की इन वस्तुओं के बारे में जो आपको दान करना चाहिए। इस बार सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को है। कई शुभ संयोगों के साथ पड़ रही है अमावस्या। अगर आपके पितर के आशीर्वाद से वंचित हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान सुख से वंचित है, घर में सुख शांति का अभाव है, दरिद्रता के कारण जीवन दुखदायी बन गया है, इन सब परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। सुमति अमावस्या को दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी उन्नति होगी और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन किन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। पहला, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस दिन सोमवती अमावस्या हो उस रोज अपने पितरों का ध्यान करके धोती, गमछा, बनियान आदि वस्त्रों का दान करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या को स्नान के बाद काले तिल का दान करना चाहिए। साथ ही अनामिका उंगली में कुश की पवित्री पहन लें, फिर कोई वस्तु दान करनी चाहिए। कुश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। कुश को पवित्र भी माना जाता है। तीसरा, सोमवती अमावस्या पर ग्रहों की शांति के लिए सप्तधान्य का दान कर सकते हैं। सप्तधान्य में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं आप? चावल, गेहूं, जौ, काला चना, सफ़ेद तिल, मूंग दाल आदि शामिल होते हैं। चावल से चंद्रमा, गेहूं से सूर्य, काला चना से शनि, सफ़ेद तिल से शुक्र, हरी मूंग से बुध और मसूर दाल से मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। इनसे जुड़े ग्रह दोष जो भी होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो भी दोष हैं अगर सप्तधान्य का आप दान करते हैं इस दिन। चौथा, सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये है सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्या दान करना है, क्या स्नान दान का शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।